कैसरगंज से बीजेपी सांसद और पहलवानों की ओर से यौन शोषण का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार पहलवानों के बजाय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर फायर हो गए और उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह डाला कि उनके बाबा की मृत्यु में कांग्रेस की साजिश थी और तो राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर खुद के एनकाउंटर पर तमाम आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। लेकिन आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह अचानक प्रियंका गांधी पर क्यों फायर हुए, पहले ये जान लीजिए। दरअसल बुधवार को प्रियंका गांधी ने पहलवानों के मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट करते हुए लिखा था कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उनके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है, पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बस प्रियंका गांधी का इतना ट्वीट करना भर था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आईना दिखाते हुए ये कह डाला। जरा देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का ये पूरा ट्वीट, जिसमें पहले वो लिखते हैं कि प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता, ये अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय में हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय में भरोसा नहीं है, इसलिए वो हर मामले का मीडिया ट्रायल करती है। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची है, जिसका कुछ उदाहरण आप सबके समक्ष है। और फिर आगे ब्रजभूषण शरण सिंह लिख देते हैं कांग्रेस में उनके साथ क्या कुछ हुआ। जरा देखिएगा इस पूरे ट्वीट को, इन पूरे अक्षरों को पढ़िएगा। बता दें पिछले दिनों महिला पत्रकार से अभद्रता के मामले में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब चुनावी साल में ब्रजभूषण शरण सिंह का यह तल्ख तेवर उन्हें फायदा पहुंचाता है या फिर भाजपा में उन्हें किनारे कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस मसले पर क्या कहना, कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।